आपने बेटा HTML के 10 प्रोग्राम आपने बनाने हैं CSS के, और 10 ही प्रोग्राम आपने बनाने हैं जावास्क्रिप्ट के। टोटल 30 प्रोग्राम आपने ओके बनाने हैं, ठीक है? आई विल शेयर इट विद यू बाय सर, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, ठीक है? टिल देन यू कैन प्रैक्टिस। ओके सर, कुछ पूछना बेटा और किसी ने, या आगे करें? सर आगे करा दो सर, आगे 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 करें, बताओ। करें। चल, तो एक नई फाइल बनाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कुछ फॉर्म्स देखना, तो देखिए फॉर्म्स। देखे फॉर्म्स या नहीं देखे? यस सर, देखे, ओके। सेव कर देते हैं पहले। फिलहाल ऑब्वियसली जब इसको हम खोलेंगे, देयर इज नथिंग ऑब्वियसली। ओके, लेट से साइन अप कराना है हमने। तो बेटा क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं? सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, फॉर्म बनाने के लिए आपको ये फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके ओके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? वो चलो बाद में, अभी हम पहले फॉर्म एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। बताओ बेटा, फॉर्म एलिमेंट्स क्या क्या आप देखते हो फॉर्म में? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, माइट ओके, बी लोकेशन एज वेल। उसके बाद फर्स्ट जो नेम ईमेल एड्रेस किसमें? होता ओके, है, फर्स्ट नेम लिखते किसमें है बेटा? टेक्स्ट 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 फील्ड में। फील्ड में लिखते हैं। ओके बेटा, यहां पर ना एक टैग होता है, इनपुट टैग होता है। इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनानी है आपने, तो उसकी टाइप देनी पड़ती है टेक्स्ट। जितने भी आप फॉर्म एलिमेंट बनाओगे, सब में नेम एट्रीब्यूट बेटा होना जरूरी है। नेम, जैसे आप कह रहे हो एफ नेम, एफ नेम, ठीक है? ओके सर, ऐसे ही आप लास्ट नेम कह रहे हो, लो लास्ट नेम, अगेन इसका नाम अलग, एल नेम, ठीक है? जब कहाँ पे यूज होगा वो आपको थोड़े टाइम में मैं बताता हूँ। ओके, और इसको एक बार देख लेते हैं रन करके। वेट, ठीक है? लुकिंग डिसेंट। यस सर, यहाँ पर भी ब्रेक लगा देते हैं और इसको हेडिंग बना देते हैं। लेट्स, फाइंड अ पेज, फर्स्ट नेम। तो ये जो आप यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्क्रीन आपको नहीं शेयर खुद हुई स्क्रीन नहीं शेयर हुई है? शेयर तो है बेटा, दोबारा करता हूँ, सर, दोबारा वो करता नोट हूँ। पैड भी शेयर हुई थी। ओके, अब ठीक है? दिख रही हैं यस दोनों सर, स्क्रीन्स? यस सर, ये देखो फील्ड्स नजर आ रही हैं आपको, इसमें जैसे हम नॉर्मल टाइप करते हैं वैसी हैं। ऑब्वियसली हाइट विड्थ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये डिफॉल्ट नजर आ रही हैं आपको, जैसा डिफॉल्ट होता है ना वैसी नजर आ रही हैं।
तो ठीक है, यस सर। इसमें आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। ओके, और क्या देखा है बेटा कॉमनली आपने? डेट डेट ऑफ बर्थ, ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करती है, मतलब कैसी चीज होती है डेट ये ऑफ बर्थ? ड्रॉप डाउन, इसमें ड्रॉप डाउन में नहीं होता है जनरली, मतलब कैलेंडर जनरली फॉर्म में होता है। तो कैलेंडर होता है या ड्रॉप डाउन? से कैलेंडर होता है, मतलब ड्रॉप डाउन तो से कैलेंडर में जाते हैं। पहले हम देखते थे तो वहां पर आपको 3 ड्रॉप डाउन नजर आते थे, डे के लिए अलग, मंथ मंथ के लिए अलग, ईयर के लिए अलग, यस सर। लेकिन अब आपको कैलेंडर्स नजर आने शुरू हो गए। तो इनपुट टाइप कैलेंडर नेम डीओबी, ठीक है, लेट्स ब्रेक इट। सॉरी, कैब नहीं चला, एक सेकेंड। वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट एक सेकेंड। चलो मीनवाइल और क्या देखा है बेटा आपने, वो कोड करते हैं, इसको देख लेते हैं। टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, लोकेशन होती है, मतलब नेम ऑफ द सिटी, उसमें ड्रॉप डाउन हो सकता है। ड्रॉप डाउन हो सकता है। चलो ड्रॉप डाउन के अलावा, ड्रॉप डाउन लास्ट में देखते हैं हम, उसके अलावा सर, मेल और फीमेल के जो ऑप्शंस आ, मेल और फीमेल उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल उसको क्या बोलते हैं? जेंडर सर, रेडियो नहीं बटन। नहीं वो तो ऑब्वियसली, हाँ, रेडियो बटन। अगेन इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, नेम यही रख देते हैं, जेंडर मेल, ठीक है, ऐसे ही होता है। और एक फीमेल, यस सर, राइट, ऐसे ही होता है। और इनका अगर देखो तो नाम सेम रखना है हमने, यस तभी ये एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। रेडियो बटन का बेटा नाम सेम रखना है हमने, इसको भी देखते हैं अब ये कैसे आ रहे हैं। अगर ब्रेक लगा देते हैं, वेट, ये देखो, ठीक है, यस सर। लुकिंग गुड। और क्या बेटा होता है? सर, सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्सेस भी होते हैं कुछ। चेक बॉक्स, ओके, तो लेट्स से हम क्वालिफिकेशन बनाते हैं, क्वालिफिकेशन इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम, लेट्स मैट्रिक, मैट्रिक HSC हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन डिप्लोमा ग्रेड डिप्लोमा, राइट, इसको भी देखें एक बार यस सर। कैसे दिखता है ये। ओके, ये देखो मेल फीमेल में जैसे आपको ये एक ही सिलेक्टेड नजर आएगा, है ना, एक करोगे दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये देखो, एक बार क्लिक करोगे चेक हो जाएगा, फिर आप करोगे तो अनचेक हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और क्या बेटा देखने को मिलता है?
ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ईमेल आईडी। चलो वो देखते हैं, ऑब्वियसली वो वैसी फील्ड आपको नजर आएंगी वो टेक्स्ट फील्ड, जैसे नहीं टेक्स्ट ईमेल के लिए अलग से भी होती है बेटा। इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड भी यूज कर सकते हो ऑब्वियसली, आपकी मर्जी है कि आप चाहे टेक्स्ट यूज करना चाहो तो आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका भी। सेम आपका कॉन्टेक्ट, अगेन इनपुट टाइप टेल, टेल होती है कॉन्टेक्ट। लेट्स सी, सेकंड ब्रेक लगा लूं। नॉर्मल फील्ड्स नजर आ रही हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप इसको देखो तो जितनी भी मेल्स होंगी वो मेरे को उसके रिकमेंडेशन में शो कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर जब मैं सबमिट भी करूँगा ना, अगर यहाँ पर मैंने एट द रेट डॉट ये यूज नहीं किया होगा तो मेरे को यहाँ पर एक वार्निंग शो करेगा, वो ऑब्वियसली हम लेटर ऑन थोड़ा सा देखते हैं। आगे बोलो बेटा। सर कई फॉर्म्स में अपलोड का ऑप्शन भी होता है, जैसे रिज्यूम में अपलोड कर सकते हैं हम, वो पार्ट्स भी होते हैं। वो ऑब्वियसली देखने के लिए, देखने के पर्सपेक्टिव से मैं बना देता हूँ, ठीक है। लेट से आपने प्रोफाइल पिक पिक्चर अपलोड करनी है, इनपुट टाइप वो होती है फाइल नेम पिक ब्रेक, ये देखो कुछ ऐसा आ जाता है। इज इट ओके? यस सर, यस सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अप टिल नाउ? कुछ बेटा पूछना हो पूछ सकते हो। हेलो, पूछना हो बेटा, अभी तक क्लियर है? कोई भी किसी को डाउट पूछना हो बेटा पूछ सकते हो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर है? क्लियर है, ओके। और कुछ मिसिंग होता है? एनीथिंग एल्स सर? पासवर्ड, पासवर्ड, ओके, पासवर्ड, पासवर्ड। दो फील्ड आपको नजर आती है पासवर्ड की, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड एक अलग ऑब्वियसली टाइप की फील्ड है आपकी, अलग टाइप की इनपुट है। नेम हम पास रख देते हैं, ब्रेक सिमिलरली, कंफर्म पासवर्ड सी पास। यू कैन सी इट लाइक दिस। इसमें जब मैं एंटर करता हूँ, ये देखो डॉट 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 नजर आ रहा है प्रोफाइल पिक पे, जब क्लिक करता हूँ ये आपके देखो एक डायलॉग बॉक्स को खोल रहा है, राइट। और ईमेल में आप देख सकते हो ईमेल शो कर रहा है, कॉन्टेक्ट में ये मेरे को रिलेटेड कॉन्टेक्ट फील्ड शो कर रहा है, कंफर्म पास फील्ड में भी अगेन डॉट डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा एनीथिंग एल्स जो आपने देखा हो बताना चाह रहे हो अभी? द पासवर्ड फील्ड में वो भी होता है ना जिसमें वी कैन सी द पासवर्ड विच वी आर एंटरिंग, वो बेटा वो HTML नहीं प्रोवाइड करता है। ओके सर, वो आपको एक बटन लगाना, एक लेबल लगाना पड़ता है, बटन कह सकते हो या कुछ इमेज कह सकते हो, जिस पर आप जब क्लिक करते हो एक आई जैसा होता है ना, वो आपका जावास्क्रिप्ट, वो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर HTML। और बोलो बेटा, कुछ देखा हो आपने? और सर अबाउट मतलब उसके बीच में हम लिखते हैं कुछ पैराग्राफ में जो कुछ। ओके 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 ओके, उसको बोलते हैं बेटा टेक्स्ट एरिया। तो एड्रेस, जैसे एड्रेस कह रहे हो, डिटेल देते हैं जिसमें हम बहुत सारा टाइप करके, यस सर, टेक्स्ट एरिया होता है ऑब्वियसली। हाँ, एक चीज जो हमने शुरू में एक, मैंने आपको एक फीचर में एक चीज बताई थी, ये केस इनसेंसिटिव है HTML आपकी, छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट एरिया में शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में लिखूं चाहे कैपिटल लेटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नेम अगेन, एड्रेस, ठीक है, और ये आपका टेक्स्ट एरिया। जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो, राइट? अगर आप यस सर, इसका साइज बड़ा रखना चाहते हो। ठीक है बेटा, अगर आपने साइज कुछ और बढ़ाना है, रोज और कॉल्स जैसे हम उसमें यूज करते थे फ्रेम्स सेट में, आप साइज बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है? अगर आप 10 कर देते हो, देखो उतनी ज्यादा रोज आ जाएंगी आपकी, ये देखो, ठीक है? कॉल्स में भी बढ़ा सकते हो आप, तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेट्स से मैं 105 कर देता हूँ, तो इतना चौड़ा हो जाएगा। अगेन आपको और भी बड़ा कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, राइट? यस सर, ये एडजस्ट करना, ये सारा काम आपका CSS में होता है, ठीक है? यस सर। और कुछ देखा हो आपने? एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हो सर, फिर तो एक एंटर का बटन होता है, चाहे उसको सबमिट कह लो या अपलोड कह लो। सबमिट का बटन या एंटर का बटन, ऑब्वियसली बटन के बिना तो हमारा फॉर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है, सबमिट नहीं होगा, है ना? तो यहाँ ब्रेक लगाते हैं। तो इनपुट उसकी टाइप होती है बेटा सबमिट, और यहाँ नेम बटन को नेम देने की जरूरत नहीं होती है, बटन को सिर्फ आप वैल्यू दे, चाहे आप सबमिट लिख लो चाहे आप एंटर लिख लो, आपकी मर्जी है। बट सबमिट बटन दबाने से होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, दैट्स इट। लेट्स से ये देखो आ गया एंटर बटन, यस सर, इसको दबाते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके सर। इसके अलावा एक
इसके अलावा कोई और भी होता है? सर रीसेट के लिए होता है, मतलब पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, रीसेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। टाइप रीसेट वैल्यू, कुछ भी दे सकते हो वैल्यू में, आप कुछ भी दे सकते हो। सर वो टाइप में स्पेलिंग गलत हो गया रीसेट के। ओके, टाइप में तो ऑब्वियसली सेम रीसेट ही होना चाहिए, वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हो। तो रीसेट, इसको मैं वर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं मेल पे क्लिक किया, यहाँ कुछ एंटर कर दिया, या ईमेल को एंटर कर दी, मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ। यू कैन सी कि फॉर्म जो नॉर्मल जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में वो वापस आ गया है, राइट? यस सर। और भी कुछ देखते हैं अब, जो मिस हो गया है वो हम देखते हैं। एक हाँ, ये हमारा रह गया है कैलेंडर, कैल टाइम, ओके टाइम तो डेट होगी, डेट हाँ ये देखो, ठीक है। ऑब्वियसली ब्राउजर स्पेसिफिक है, अगर मैं इसको आप दूसरे ब्राउजर में भी खोल के दिखाता हूँ, इट मे हैव सम different user interface in some different, some other browser. Okay, as you can see, यहाँ पर अगर मैं देखूँ Firefox में खोला है, दिख रहा है ना बेटा Firefox? Yes, sir. आप देख सकते हो, comparison के लिए मैं side by side खोलता हूँ दोनों को। ये देखो, यहाँ पर आपको ये calendar का button नजर आ रहा है, यहाँ आपको वो button नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हो, ये देखो ऐसा कैलेंडर नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करते हो कुछ और कैलेंडर नजर आ रहा है ना? यस सर, यस सर। रेडियो बटन सेम है, चेक बॉक्स में थोड़ा सा ये देखो, अगर उसकी कॉर्नर देखो राउंडेड है, इसमें टोटल शार्प कॉर्नर है। फील्ड्स का भी ऐसा ही है, यहाँ पर थोड़े थोड़े राउंडेड नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ चूज फाइल का बटन है, यहाँ ब्राउज का बटन है। यहाँ पर आप देखो डॉट बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ डॉट छोटे छोटे हैं, राइट? तो थोड़ा बहुत फर्क बेटा नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। गेटिंग इट? थोड़ा थोड़ा फर्क तो आपको ब्राउजर ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग नजर आएगा, थोड़ा बहुत। Is it okay? ये देखो यहाँ का चेक दूसरा है, यहाँ पर देखो ब्लू हो जाता है और व्हाइट कलर का चेक आता है, इसमें आपका ब्लैक कलर का चेक आता है, और जब उस पर आप लेके जाते हो तो वो ब्लू हो जाता है। तो ब्राउजर के अपने डिफॉल्ट है ये, बट ऑब्वियसली आपकी प्रोसेसिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। और करें बेटा आगे और देखिए। yes, sir. तो नोट पैड में अब एक आपकी फील्ड आ जाएगी, अभी हमने देखी थी थोड़े टाइम पहले शायद, टाइम, अगर आपने टाइम डालना है कोई, टाइम ऑफ बर्थ लेट्स सपोज, सेव करते हैं, ये रन कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो ये आपको टाइम नजर आ रहा है ना, इसमें yes, आप ये टाइम दे सकते हो न्यूमेरिक दबा के, ठीक है। सेम अगर मैं दूसरे में ब्राउजर में देखूं रीलोड करके, ये देखो टाइम यहाँ पर आ रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। Is it okay, बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं अब तक बेटा? Clear, आगे बढ़े, sir. आगे बढ़ते हैं। और भी बेटा बहुत सारे टाइप की इनपुट्स हैं। सर ड्रॉप डाउन रह गई।
ड्रॉप डाउन भी बेटा करवाता हूँ, लास्ट में वही करेंगे हम। एक और आपकी URL, ठीक है, ऐसे ही सर्च भी होगी एक। ओह वैल्यू आ गई, जस्ट अ सेकंड, नेम चाहिए हमें, एंड इवन यहां पर भी नेम, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे ये एक तरीके का URL होगा। ये यहाँ वहां पर यूज होता है जहां पर आप जैसे आपने कुछ वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिसमें आप कोई URL भरो तो वो उसको डाउनलोड कर देता है या कन्वर्ट करने का काम कर देता है। YouTube वीडियोस डाउनलोड करती है ना? यस सर। हाँ, क्लिप कन्वर्टर से या कीप माई वीडियो से, कुछ कन्वर्जन करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, तो उसमें ये URL और एक दूसरी सर्च यूज कर लेते हैं। ऑब्वियसली काम आप टेक्स्ट से भी कर सकते हो सारा, है ना, काम तो आप टेक्स्ट से भी कर सकते हो। फिर हमें टेक्स्ट क्यों चाहिए, ईमेल भी क्यों चाहिए, टेलीफोन भी क्यों चाहिए, है ना, सबके क्योंकि पर्पसेस अलग अलग, सबके पर्पसेस अलग अलग हैं और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शंस में आ जाते हैं, वो एक तरीके का मेटा डाटा बन जाते हैं वो, राइट। अब आगे एक और देखते हैं इनपुट, लास्ट, और भी बहुत सारे इनपुट हैं, आप एक्सप्लोर करना। मैं एक लास्ट आपको ये कलर और फिर एक रेंज दिखा दूंगा, फेवरेट कलर लेट्स सपोज, सेव करते हैं, ये देखो ये आपका ये खुल जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। यस सर। चलो आई थिंक ड्रॉप डाउन देख लेना चाहिए, बाकी की फील्ड ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर करेंगे तो कल आपको दिखाता हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए बेटा सिलेक्ट टैग यूज होता है, ये लास्ट में इसीलिए करवा रहा था क्योंकि एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैग इज बीइंग यूज्ड हियर, इनपुट नहीं यूज होता है, ठीक है। तो सिलेक्ट में आपको नाम देना पड़ता है, ऑब्वियसली ये और डिटेल में मैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी बस हमने देखा है कि क्या क्या चीज कैसे कैसे बनती है, यूज कैसे कैसे आती है या क्या क्या उसमें और फंक्शनैलिटीज हैं, वो कल अभी लेक्चर में देखेंगे। तो सिलेक्ट नाम दे दिया मैंने, लेट्स से क्या एंटर करना चाहते हो आप इसमें? लोकेशन। ओके, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कौन कर देते हैं ऑप्शन, और ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन बनाने का काम सिलेक्ट से होगा, उसके अंदर आपने वैल्यूज डालनी है तो उसका काम ऑप्शन टैग से होगा, वो नेस्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे आपको। सेलेक्ट टैग के अंदर, ठीक है, तो लेट्स से मैं जलंधर लिखा है, अमृतसर लिखा है, लेट्स से इतने देखते हैं हम। नाउ यू कैन सी हियर ड्रॉप डाउन ऐसा चल रहा है, ये देखो ऐसे नजर आएंगे आपको, डिटेल में और भी देखेंगे हम। कुछ और अगर रह गए होंगे हमारे कुछ इनपुट्स फॉर्म एलिमेंट्स तो वो देखेंगे, आई थिंक दो चार अभी बाकी हैं वो कल देखेंगे, प्लस इनका यूज भी देखेंगे। ओके सर, ठीक है। और फॉर्म भी अभी हमारा बाकी है, फॉर्म जस्ट हमने ऐसे ही बनाया है, कुछ इसमें एट्रीब्यूट नहीं दिए हैं, तो ये भी हम कल देखेंगे साथ में। आई होप बेटा सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, आई गिव यू वन मोर मिनट, यस सर, इसको मार्क कर अटेंडेंस को।